हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कर्ल्स। कर्ल्स करेंगे हम लोग आयन से। मैं हूं जैस फ्रॉम सैमन जैस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। कर्ल्स के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो बना हुआ है जो कि सैम मैम ने आपको दिखाया है, लेकिन आज मैं फिर आपके लिए एक और कर्ल्स की वीडियो लेके आया हूं जो हमने किया है आयन से। और आज उसमें मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट्स देने वाला हूं। बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, लिख लीजिएगा आप इसको। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक महीने का कोर्स डेवलप किया है हेयर में जो कि है 10,000 रुपीज का। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 रुपीज ओनली। ये हम लोगों ने आपके लिए एक महीने का कोर्स डेवलप किया है। अगर आप लोगों को भी, ये एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए है, अगर आप लोगों को भी ये कोर्स करना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, पता करें कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आयन से हम लोगों ने कर्ल्स कैसे किए और उसके क्या की पॉइंट्स हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कर्ल्स, वो भी आयन से कर्ल्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हमारे मॉडल का हेयर वॉश किया। हेयर वॉश में हम लोगों ने कंडीशनर या मास्क, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हेयर वॉश करना है शैम्पू और कंडीशनर से, कंडीशनर की जगह आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, विल बी बेटर। इसके बाद में आपको यूज़ करना है हीट प्रोटेक्टर ऑन द वेट हेयर। हीट प्रोटेक्टर्स आते हैं जो आपको वेट हेयर पे यूज़ करना है, और उसके बाद में आपको बालों को 100% ड्राई करना है। अगर आपके पास में हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हो ऑन द वेट हेयर। उसके बाद बालों को 100% ड्राई करो। ड्राई करने के बाद में आप अपना आयनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मूस लगा सकते हैं बालों पे? तो अगर आप कर्ल्स कर रहे हो आयन से, तो उस कंडीशन में मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप मूस लगाओ गीले बालों पे, क्योंकि मूस हमेशा गीले बालों पे लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह आप सीरम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा होल्ड करना है तो वहाँ पे आप मूस अप्लाई नहीं करोगे फॉर होल्डिंग। उसके लिए क्या होता है कि अगर आप आयन करोगे तो वो आपको एक स्मूथ फील नहीं आएगा, क्योंकि मूस है तो थोड़ा सा हार्ड रहता है और बाल खींचते हैं उससे। तो आपको मूस के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, टोंग्स करते हो आप, आपने जैसे बाहर से जो लास्ट टाइम आपने हमारा टोंग्स का देखा था, अगर आपको टोंग्स करने हैं तो वहाँ पर आप मूस लगा सकते हो। आज जो हमने सेक्शंस लिए हैं, आप देख रहे हो हम लोगों ने वर्टिकल सेक्शंस पे काम किया है। जब आप वर्टिकल सेक्शंस यूज़ करते हो तो उसमें बॉडी भी आती है और बाउंस भी आता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस जो हैं वो थोड़ा सा आपके बालों को फ्लैट लुक देता है। अगर आपको फ्लैट लुक देना है तो आप हॉरिजॉन्टल सेक्शंस लो, और अगर आपको बॉडी और बाउंस देना है तो आप वर्टिकल सेक्शंस पे काम कर सकते हैं। आज की जो हमारी आयनिंग मशीन है वो है सेरेमिक कोटेड ब्रेटेड, तो अच्छी है और बहुत स्मूथली काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने आज ट्विस्ट, वन ट्विस्ट किया है, खाली एक ही ट्विस्ट कर रहे हैं, बालों को बीच में से होल्ड कर रहे हैं ताकि खींचे नहीं, और आयन को एक ही ट्विस्ट पे हम लोग बालों को छोड़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आयनिंग मशीन जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा और नोटिस करें तो ये ओवल शेप की है हमारी जो आयनिंग मशीन है। आयनिंग मशीन के जो शेप्स हैं अलग हैं, जैसे अभी फ्लैट भी आता है, थोड़ा स्क्वायरिश भी आयनिंग मशीन आती है। तो जब आपको कर्ल्स करने हैं आयन से, उस टाइम पे आपको वो फ्लैट वाला आयन यूज़ नहीं करना। उसके लिए आपके पास में अगर ओवल शेप की अगर आयनिंग मशीन होती है तो विल गिव यू द बेटर रिजल्ट, हमेशा ध्यान रखें। और आप नोटिस करें तो मैंने प्रिकॉशंस के लिए ग्लव्स पहन रखे हैं, एक हाथ में ग्लव पहना हुआ है ताकि जो हीट है उससे प्रोटेक्ट हो सकूं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ और मैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला, फिर दोबारा अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा मैं बालों को बीच में से होल्ड कर रहा हूँ ताकि क्लाइंट के बाल ना खींचे। जैसे आयन से मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ तो बीच में से बालों को फिंगर से होल्ड करता हूँ टाइटली, और उसके बाद आयन को लेके जाता हूँ ताकि खींचे नहीं बाल और क्लाइंट के बाल पुल ना हो तो वो कंफर्टेबली वहाँ पे बैठे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दे दूँ और आप उसको समझ के ही काम करेंगे तो विल बी बेटर। यहाँ पे जो आयनिंग का टेम्परेचर हम लोग ने लिया है वो थोड़ा कम लिया है, क्योंकि हमारे मॉडल के बाल जो हैं वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो नॉर्मल बाल हैं उनके। लेकिन आप आयनिंग का टेम्परेचर जो है वो आप डायमीटर के अकॉर्डिंग, डायमीटर का मतलब होता है कितना मोटा है बाल, कितना पतला है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल हेल्दी है और डायमीटर थोड़ा थिक है तो वहाँ पे आप 210
डिग्री से लेकर 230 तक आप यूज़ कर सकते हैं। 100% ड्राई बालों पे ही काम करना है आपको, और कभी भी गीले बालों पे आप आयरन नहीं यूज़ करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखें। और अगर आपके बाल, सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, तो उस कंडीशन में पहले आप हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करके आप सीरम लगा के उसके पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे प्रॉपर, उसके बाद में ही आप इसको आयनिंग करेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो मैंने आयनिंग जब मैं कर रहा हूँ तो वो 90 डिग्री के ऊपर कर रहा हूँ मैं आयन। 90 डिग्री हर एंगल पे, आप देखो 90 डिग्री पे ही मैं काम कर रहा हूँ हर एंगल पे, जिससे कि थोड़ी बॉडी भी आ रही है और अच्छा फॉल भी आ रहा है। और नोटिस करो आप इसमें, तो जो लोग राइटी हैं, ये राइटी के लिए बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखना जितने भी राइटीज हैं, राइट वाले, अगर मैं राइट साइड पे काम कर रहा हूँ तो राइट साइड पे मेरा एल्बो ऊपर है और लेफ्ट साइड पे मेरा एल्बो नीचे है। इसका ध्यान रखो आप, जब आपकी होल्डिंग होती है, जो राइटीज हैं उनका राइट साइड पे, अगर क्लाइंट के राइट साइड पे काम करेंगे तो एल्बो ऊपर रहेगा, और अगर वो लेफ्ट साइड पे काम करेंगे तो उनका एल्बो डाउन रहेगा। इसका ध्यान रखें, होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी सेक्शंस हैं आप कोशिश करो एक ही जैसे सेक्शंस निकालो ना, कहीं ज़्यादा बड़ा निकाल दिया सेक्शन, कहीं थोड़ा छोटा सेक्शन निकाल दिया, तो उससे भी रिजल्ट का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको इक्वल रिजल्ट चाहिए ऑल ओवर, तो सेक्शंस का जो साइज़ है वो सेम रखें हर जगह का, और 90 डिग्री पे ही आपको करना है। ये थोड़े फ्रेशर बच्चों के लिए है जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। यू शुड बी वेरी केयरफुल, जब आप कान के पास में काम करते हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्किंग नियर द ईयर्स। ये जो है किसी के बालों पे लेयरिंग हो रही है, उनके बालों पे टोंग्स या कर्ल्स जब भी आप करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। लेयरिंग वाले बालों पे बहुत अच्छा लगता है ये, वन लेंथ वाले बालों पे नहीं अच्छा लगता है इतना। लंबे बाल हों और उसके बाद में बहुत सारी लेयरिंग हो बालों पे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, टोंग्स का, कर्ल्स का। जो आज हमने कर्ल्स किए आयन से, ये आप लेयरिंग वाले बालों पे काम करो रेदर देन वर्किंग ऑन द वन लेंथ। सो दिस इज़ द रिजल्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल दूँ। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्प्रे, ये स्प्रे से क्या होगा, और देख रहे हैं आप, बहुत दूर से लगा रहा हूँ, बहुत पास से नहीं लगा रहा ये स्प्रे, ताकि सारे बालों में फैले और बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे जो मैं खोल रहा हूँ कर्ल्स को, ताकि थोड़ा नेचुरल लुक आए, वो इसलिए खोल रहा हूँ, फिंगर्स के साथ खोल रहा हूँ। कोई भी फाइन टीथ का जो कोम है उसको यूज़ नहीं कर रहा, फिंगर से खोल सकते हो या जी कोम से आप खोल सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि किया ही बहुत इजी वे में है। देखिए, मेरे हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को जो भी काम दिखाऊं वो बहुत ही इजी वे में दिखाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में भी ज़्यादा आए और आप जल्दी उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। बस ये जो की पॉइंट्स आपको बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये की पॉइंट ज़रूर फॉलो करें, तो आपका रिजल्ट बेटर आने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। चलिए, अगर आप लोग को भी इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारी अकेडमी में आ सकते हैं, मुंबई में। वी आर एट वर्सोवा, डोंबिवली एंड खारघर। मुंबई के बाहर हम लोग पुणे में हैं, लखनऊ में हैं, चेन्नई में हैं और पटना में हैं, तो बिल्कुल आ जाइए। अगर आपको कोर्सेज के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको मेकअप का करना है, हेयर का करना है, हेयर डूज का करना है, इस पर लिखिए और आपको बिल्कुल रिवर्ट मिलेगा। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप लोग आएँ, ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।